पौष्टिक भगवान किचन में आपका स्वागत है। यहाँ पर आप बथुआ देख रहे हैं और विंटर्स में बथुआ काफी मात्रा में आता है। ये बहुत खाने में टेस्टी भी होता है प्लस हेल्दी भी बहुत रहता है। और आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ तो मैं इसको आपको दाल के साथ बनाकर बताऊंगी, उससे इसकी जो वैल्यू है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, इसकी पौष्टिकता और ज्यादा बढ़ जाती है। बथुआ अपने आप में काफी पौष्टिक होता है और जब हम दाल के साथ बनाते हैं, स्पेशली मूंग की दाल के साथ, तो ये काफ़ी इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। तो आज मैं आपको इसको मूंग की दाल प्लस मसूर की दाल के साथ बना के बताऊंगी। दोनों दालों के जो बेनिफिट होते हैं वो भी इसके साथ इंक्लूड हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बथुआ लिया है, इसको मैंने तोड़ के रखा है। अब मैं इसको अच्छे से वॉश करके कट कर लूंगी और जो मूंग और मसूर की दालें हैं दोनों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर और उनको भी गला के रखूंगी। यहाँ पर मैं आपको दाल और बथुए की इंस्टेंट रेसिपी बताऊंगी जो कि फटाफट से तैयार हो जाती है, इसीलिए मैं दाल भी गला के रखूंगी। लेकिन अगर आपने दाल गला के नहीं रखी है तो भी आप फटाफट से इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मूंग और मसूर की दाल वैसे भी बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलिए बनाते हैं हमारा दाल बथुआ। यहाँ पर ये जो छोटी कटोरी आती है ये मैंने ली है, आधी कटोरी मसूर की दाल ली है और आधी कटोरी मैंने मूंग की दाल ली है। अब इन दोनों को मैं धोकर अच्छे से और फिर इनको गला के रख देती हूँ। तो बथुए को मैंने बहुत अच्छे से वॉश किया है। आप बथुआ जब भी बनाएं तो बथुए को काफी अच्छे से वॉश करें क्योंकि इसके अंदर काफी सारी डस्ट रहती है। तो बथुए को धोकर और मैंने अच्छे से कट कर लिया है और यहाँ पर दोनों दालों को मैंने गला के रखा था, आधे घंटे में दोनों दालें गल चुकी हैं। तो चलिए बनाते हैं हमारा बथुआ और दाल। तो चलिए बनाते हैं हमारा दाल बथुआ। और दाल बथुआ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है और यहाँ पर मैं इसको बनाने के लिए देसी घी का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी टेस्टी बनता है और हेल्दी भी बनता है। आप जो भी तेल यूज़ करना चाहें तो आप उसके अंदर भी बना सकते हैं। घी गर्म यहाँ पर हो चुका है, अब इसमें हमारे मसाले ऐड करेंगे। घी गर्म होने पर यहाँ पर मैं इसमें 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने इसमें जीरा ऐड कर दिया है। जीरा अच्छे से तड़क चुका है तो इसमें मैं हींग ऐड कर रही हूँ। दो हरी मिर्च मैंने यहाँ पर कट करके रखी है वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। एक प्याज कट करके रखा है वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। प्याज को हम थोड़ा अच्छे से भून लेंगे। प्याज अच्छे से भून चुके हैं तो इसमें मैं यहाँ पर मैंने लहसुन और अदरक लिया है, इन दोनों को मैंने कूट लिया था। 7-8 लहसुन की कलियाँ थी और 1 इंच अदरक का टुकड़ा था। जब हम इस तरह से दाल बनाते हैं इन दोनों को कूट कर तो दाल काफ़ी टेस्टी बनती है। कोई सी भी अगर आप दाल बनाएंगे और इस तरह से लहसुन अदरक कूट के डाल देंगे तो दाल का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। लहसुन और अदरक को हमको काफ़ी नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा ही भूनना है। तो लहसुन अदरक भी भून चुका है तो इसमें मैं एक साबुत लाल मिर्च डाल रही हूँ। इस तरह से आप ये दाल बनाएंगे तो काफ़ी जल्दी बनके तैयार हो जाती है। सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं तो इसमें मैं पिसे हुए मसाले ऐड कर रही हूँ। हल्दी ऐड कर रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून और 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं पिसी लाल मिर्च ले रही हूँ। थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही। 2 टमाटर लिए वो भी मैंने कट करके रखे थे तो वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो 2 टीस्पून यहाँ पर मैंने नमक ऐड किया है। अगर आप चाहें तो आप बथुए को अलग से बघा रहे हैं फिर दाल को अलग से बॉईल करके भी बना सकते हैं,
लेकिन उस तरह से जल्दी भी नहीं बनेगी और टेस्टी भी नहीं बनती है। जब हम इन दोनों को मिक्स करके डायरेक्ट बनाते हैं तो इसका टेस्ट ज्यादा उभर के आता है। तो टमाटर भी हमारे पक चुके हैं, तो इसमें मैं बथुआ ऐड कर रही हूँ। पहले बथुए को हम थोड़ा पकाएंगे, उसके बाद इसमें फिर दाल ऐड करेंगे। इस तरह से बथुए को हम पहले पकाएंगे, फिर बथुआ नीचे बैठ जाएगा, उसके बाद हम इसमें दाल ऐड करेंगे, तो फिर हमको पता लग जाएगा कि हमको इसमें पानी की मात्रा कितनी ऐड करनी है। सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक के पका रही हूँ। ये देखिए बथुआ नीचे बैठ चुका है। अगर आप बथुए की सब्जी खाना चाहते हैं तो इस तरह से आप बथुए की सब्जी बना के भी खा सकते हैं। और बथुए की और भी रेसिपी मैंने चैनल पे शेयर की हुई है, तो लिंक में शेयर कर दूंगी, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बथुआ पक चुका है, अब इसमें हमारी जो गली हुई दाल है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मसूर की दाल मैंने ऐड कर दी है और मूंग की दाल भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बथुए और दाल को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। पानी की मात्रा आपको इसमें कितनी लेनी है वो आपकी चॉइस के ऊपर है। यहाँ पर मैंने 1 छोटा गिलास इसमें पानी ऐड किया है। प्रेशर कुकर का हम ढक्कन लगा देते हैं और 4 सीटी लेंगे। अगर आप 4 सीटी लेना चाहें तो आप फुल स्पीड पे 4 सीटी ले लीजिए, या फिर गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करके 1 सीटी ले लीजिए, तो हमारी जो दाल पालक दाल बथुआ है बनके रेडी हो जाएगा। तो 4 सीटी आने पर हम इसको पका लेते हैं। तो 4 सीटी आ चुकी है, तो गैस को मैं ऑफ कर देती हूँ। 4 विसल आ चुकी थी और गैस को मैंने ऑफ कर दिया था। प्रेशर कुकर का प्रेशर खत्म हो चुका है, तो इसको हम खोल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा बहुत ही अच्छा दाल बथुआ बनके रेडी हुआ है। ये देखिए मुझे इसमें पानी की इतनी क्वांटिटी अच्छी लगती है, आप इसमें और ज्यादा पानी अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको निकाल के बताती हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही हेल्दी दाल बथुआ बनके बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने एक्स्ट्रा घी से गार्निश किया है। खाने में बहुत टेस्टी है, काफी हेल्दी है। आप इसको सिंपल चपाती और जो भी आप पसंद करते हैं, जैसे कि दलिया के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, पराठे के साथ भी, जिसके साथ भी आप बना के खाएंगे ये काफी अच्छा लगेगा आपको। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से दाल बथुआ बनाइए, खाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।